नागौर जिले के एमपुरा गांव में 3 दिन पहले 21 साल की विवाहिता सुमन चौधरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। सुमन की मौत के बाद वायरल हुए सुसाइड नोट में अपनी और अपनी मौत का जिम्मेदार समाज और समाज में चल रही आटा साटा कुप्रथा को बताया था। अब इस कहानी में एक नया मोड़ सामने आया और सामने आया कि सुमन ने अपने 2 भाइयों और उनके 2 सालों को सालों के परिवारों को बचाने के लिए मौत का रास्ता चुना था। बता दें करीब 2 साल पहले सुमन की शादी बूनी गांव निवासी युवक से हुई थी। शादी आटा साटा प्रथा के तहत होने वाली शर्तों पर हुई थी और नेमराम ने सुमन की शादी होने के बाद उसके परिवार के 2 बेटियों की शादी सुमन के 2 भाइयों के 2 सालों से कराई गई। इनकी लिचाना गांव में शादी कराई गई और जब उसके भाई के सालों की शादी हुई तो उन परिवारों की 2 लड़कियों से सुमन के 2 भाइयों की शादी करा दी गई। ऐसे में सुमन की शादी के बाद 4 परिवार बसे। खास बात यह है कि इसके लिए उसकी शादी उससे कम पढ़े लिखे युवक से कराई। इस प्रथा में शर्त भी ऐसी थी कि यदि वो तलाक लेती है तो इन 4ों का परिवार टूट सकता है और ऐसा सुमन नहीं चाहती थी और आखिर उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। बता दें कि सुमन आर्ट से ग्रेजुएट है। सुमन की शादी उससे हुई जो पहले गाँव में बकरे चराता था और खेती करता था। अभी सुमन का पति मेहनत मजदूरी करने के लिए विदेश में गया हुआ है। ऐसा नहीं था कि सुमन अपनी शादी और जिंदगी से परेशान होकर आसानी से मौत चुन ली हो। ग्रामीणों के अनुसार वो बेहद मजबूत लड़की थी और तलाक भी ले सकती थी और शायद उसने ऐसा सोचा भी था। इसको लेकर वायरल सुसाइड नोट में जिक्र भी किया गया था। इसके बदले में सामाजिक नियमों के तहत उसके 2 भाइयों और भाइयों के 2 सालों का परिवार टूटने खतरा था। यदि वह तलाक लेती तो आटा साटा प्रथा के तहत उसके 2 भाइयों और 2 सालों का परिवार भी टूट जाता और इसी को बचाने के लिए सुमन ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आमतौर पर लड़कियां शादी के बाद अपने घर और जीवन साथी के साथ खुश रहती है। इस मामले में 21 वर्षीय सुमन का जीवन मुरझा गया था। उसने खूब अपने सपने सजोए थे लेकिन उसे अपने सपनों का राजकुमार नहीं मिला था। वो पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी। उसके नागौर जिले के नाव में ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था लेकिन आटा साटा कुप्रथा ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। उसे न चाहते हुए भी कम पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी कराई गई। लेकिन सुमन का पति नेमराम उसे छोड़कर इराक में मजदूरी करने चला गया। इससे वह और ज़्यादा टूट गई और अपने मायके लौट आई और करीब 8 माह से यही रह रही थी। और इसके बाद उसने आटा साटा कुप्रथा से परेशान होकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। वही दूसरी ओर इस मामले में नागौर जिले में इस घटना के बाद समाज और परिवार के सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी कुछ इस मामले में अब बोलने के लिए तैयार नहीं है लेकिन सुमन ने इस कुप्रथा का सच सबके सामने ला दिया। परिवार के लोगों की पूरी कोशिश थी कि हकीकत सामने ना आए परंतु सुसाइड नोट पर लिखे पूरे मामले से इस पर पर्दा उठा दिया। आइए आपको बता दें कि अब आखिर यह आटा साटा कुप्रथा क्या है। आटा साटा एक सामाजिक कुप्रथा है और इसके तहत किसी एक लड़की की शादी के बदले ससुराल पक्ष को भी अपने घर से एक लड़की की शादी उसके पियर पक्ष में करानी होती है। इसमें योग्यता और गुण नहीं बल्कि लड़की के बदले लड़की की सौदेबाजी होती है। वर्तमान दौर में जब लड़कियों की बेहद कमी है तो कई समाज में इसे खुले तौर पर किया जाने लगा है और इसके चलते कई पढ़ी लिखी जवान लड़कियों की शादी अनपढ़ और उम्रदराज लोगों से कर दी जाती है जिसके चलते ऐसी कई लड़कियों की जिंदगी तबाह हो रही है। सुमन चौधरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, मेरा नाम सुमन चौधरी है और मुझे पता है कि सुसाइड करना गलत है पर सुसाइड करना चाहती हूँ और मेरे मरने की वजह मेरा परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज है जिसने आटा साटा नाम की कुप्रथा चला रखी है। इसके कारण लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है और इसमें लड़कियों को समाज के समझदार परिवार अपने लड़कों के बदले बेचते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में वर्षों से चले आ रही आटा साटा कुप्रथा ने अब एक और बेटी की जान ले ली है और पुलिस इस मामले में अब लगातार जांच में जुटी हुई है।